तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक धमाकेदार वीडियो में। और यहाँ पे आज हमारे पास बोट रॉकर्स 378, यहाँ पे आपको मिलता है स्पेशल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय THX। तो भाई करेंगे इसका यहाँ पे अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू, और देखेंगे कैसा यहाँ पे आपको गेमिंग परफॉर्मेंस, म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है। क्या ये सही रहेगा प्राइस के हिसाब से या नहीं? और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले। सो प्रजा हियर, वेलकम टू आवर चैनल टेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से पैकिंग में हमें मिल जाता है बोट रॉकर्स 378, और यहाँ पे जो मेन फीचर है वो है स्पेशल बायोनिक साउंड ट्यून बाय THX। यहाँ पे आपको बीस्ट मोड मिलता है, 65 ms का लो लेटेंसी मोड, एंड यहाँ पे आपको ASAP चार्ज मिलता है जो 30 मिनट्स के अंदर आपका जो नेकबैंड है उसको चार्ज कर देता है। आप यहाँ पे क्विक स्विच जो है वो यूज कर सकते हो बीस्ट मोड के लिए। 25 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप, मैग्नेटिक ईयरबड्स, 11 mm के यहाँ पे आपको मिलते हैं ड्राइवर्स, ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ, एंड आपको यहाँ पे इंस्टेंट वॉइस असिस्टेंट भी मिलता है। तो क्विक चार्ज जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10 मिनट्स के अंदर 15 आवर्स का बैटरी बैकअप को लेके। अगर बात करें यहाँ पे अनबॉक्सिंग को लेके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे मिलता है यूजर मैनुअल, 1 ईयर वारंटी कार्ड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, Type-C टू USB चार्जिंग केबल, IM बोट हेड का स्टिकर, एंड फाइनली ब्लूटूथ नेक बैंड। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम द अनबॉक्सिंग। अगर बात करें यहाँ पे लुक, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल पैनल, एक LED इंडिकेटर जो है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल के ऊपर 4 अलग अलग बटन दिखते हैं, एक है पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल, एंड यहाँ पे आपको क्विक स्विच का बटन है जो एक्टिवेट करता है बीस्ट मोड को। नीचे यहाँ पे आपको मिलता है Type-C चार्जिंग पोर्ट जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, एंड पीछे यहाँ पे आपको मिलता है माइक। ईयरबड्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते हैं, एंड एक्चुअली ईयरबड्स का जो वायर है वो भी काफ़ी यहाँ पे थिक मिलता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा। अगर यहाँ पे ईयर टिप्स को निकाल दे तो कुछ इस तरीके से आपको ईयरबड्स एंगुलर डिज़ाइन में मिल जाएंगे। सो प्राइस के हिसाब से मुझे यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, लुक, डिज़ाइन काफ़ी सही लगा। सो दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे लुक के हिसाब से, तो कुछ इस तरीके से आपके यहाँ पे ओवर द नेक ये सेट होता है, और इनफैक्ट यहाँ पे जो बैंड मटेरियल है वो काफ़ी यहाँ पे आपको स्मूथ सिलिकॉन का बना हुआ मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे इन ईयर लुक के हिसाब से, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और बाइक काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छी तरीके से आपके ईयर के अंदर ये सेट होता है। अगर बात करें यहाँ पे इन ईयर कॉम्पेटिबिलिटी की, तो भाई अगर आप यहाँ पे रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, या तो फिर स्पोर्ट्स कर रहे हो, तो ये फॉलो अप नहीं करता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा। वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट तो मिलता ही है, तो आप इसे यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश में या तो फिर वर्कआउट के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हो। अगर बात करें यहाँ पे कंट्रोल्स को लेके, तो यहाँ पे आपको मिलता है कंट्रोल पैनल, और यहाँ पे आपको 4 अलग अलग टाइप के डिफरेंट बटन्स जो है वो मिल जाएंगे। तो सेंटर में है पावर बटन, जहाँ से हम ऑन ऑफ करते हैं, सिंगल टाइम प्रेस करते हैं तो जो म्यूजिक है वो यहाँ पे पॉज या तो फिर रिज्यूम हो जाता है, जो काफ़ी इजी है। अगर सेंटर बटन को 2 टाइम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट वेकअप हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर बटन जो है उसको सिंगल टाइम प्रेस करने से जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे प्लस या तो फिर माइनस होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस बटन को होल्ड एंड प्रेस करके रखते हो तो जो सॉन्ग है वो हो जाएगा नेक्स्ट, सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा प्रीवियस। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक गेमिंग बटन मिलता है जो है बीस्ट मोड बटन, और यहाँ पे आपको मिलता है स्पेशल बायोनिक साउंड ट्यून बाय THX। तो भाई यहाँ पे आपको एडवांस 3D जो रियलिस्टिक ऑडियो है, एंड पोजिशनल एक्यूरेसी जो है उसका एक एक्सपीरियंस जो है वो मिल जाता है। तो सिंगल टाइम प्रेस करने से ये चला जाता है गेमिंग मोड में। तो टेस्ट करते हैं यहाँ पे बीस्ट मोड कैसा यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस निकाल के देता है। सो जैसे हमने आगे एक्सपीरियंस किया, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है जब आप यहाँ पे बीस्ट मोड को ऑन करते हो, और एक्चुअली आप जब इसे वियर करते हो और प्ले करते हो तो तब यहाँ पे काफ़ी अनोखा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस को लेके, तो यहाँ पे आपको एनवायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन का जो बेनिफिट है वो भी मिलता है। तो सराउंडिंग नॉइस काफ़ी कम हो जाता है ड्यूरिंग द कॉल, और आपका जो आवाज़ है वो क्लीन होकर जाता है सामने वाले के पास।
सो नीचे यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है वो मिल जाता है, जो क्विक चार्जिंग यानी कि ASAP जो चार्ज है उसको सपोर्ट करता है। जैसे यहाँ पे आप प्लग इन करोगे आपको LED इंडिकेटर मिल जाएगा, ये चार्ज यहाँ पे हो रहा है। 10 मिनट्स के अंदर आपको 15 आवर्स का क्विक चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है एंड ओवरऑल बैटरी बैकअप लाइफ आपको मिल जाता है 25 आवर्स का। तो यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, एक लैग फ्री एक्सपीरियंस आप बोल सकते हो। यहाँ पे आपको 11mm के साउंड ड्राइवर मिलते हैं। अगर बात करें यहाँ पे म्यूजिक क्वालिटी को लेके तो भाई काफ़ी मज़ा आया, ट्रेबल मिड टोन्स काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है एंड तगड़े वाला यहाँ पे आपको जो बेस इफेक्ट है सिग्नेचर साउंड है बोट का वैसा यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल रेटिंग यहाँ पे 8.5 out of 10 और यहाँ पे 100% वॉल्यूम के ऊपर भी थोड़ा सा भी जो साउंड है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, तो ये मुझे काफ़ी सही लगा। फाइनली अगर बात करें वर्डिंग में तो काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर आपको मिलता है एक गेमिंग मोड जो एक एडवांस 3D सराउंड जो है वो भी प्रोवाइड करता है, जो मुझे काफ़ी सही लगा। यहाँ पे आपको मिलता है स्पेशल बायोनिक साउंड पावर्ड बाय THX जो कोई भी नेकबैंड के अंदर अभी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कॉलिंग एक्सपीरियंस एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिल जाता है और ये सब काफ़ी बजट फ्रेंडली प्राइस के अंदर। तो भाई इसका जो परचेज लिंक है वो भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।